आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूपक ताल लड़ी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तबला सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लड़ी के बोल को लिखते हैं और आप एक नोटबुक ले लेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे और फिर हम लोग एक एक बोल को बजाना सीखेंगे, तबले पर कैसे बजाना है। ठीक है, तो चलिए आप इनके बोल को लिखेंगे। बोल है धा त्रिकट तक त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट। बस ये बोल है, गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे और ये सात मात्रे में है। ठीक है, और ये दोहराते हुए चलता है, जैसे हम लोग पलटा बजाते हैं ना, तीन ताल में जो हम लोग पलटा बजाते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इनके लगी मैं तो बता ही दिया था अगले वीडियो में, जैसा कि आप कहीं देखे होंगे ये वीडियो, मैं इसका वीडियो डाला हूँ। ठीक है, लगी के बोल क्या है, धा त्रिकट तक त्रिकट, धाधा त्रिकट ताता त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, धाधा त्रिकट ताता त्रिकट, ये है। और फिर इनके बोल हैं लड़ी, लड़ी के बोल क्या हमने अभी बताया, धा त्रिकट तक त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, धाधा त्रिकट ताता त्रिकट, धाधा त्रिकट ताता त्रिकट। आपको ये दोनों बोल सेम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लड़ी बजाना सीखते हैं। और ये बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर लगी लड़ी का एक वीडियो डालिए, और हम लाइव भी आते हैं। जैसा कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं अब प्रतिदिन लाइव भी आता हूं, तो लाइव क्लास में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर लगी लड़ी बताया जाए रूपक ताल का। ठीक है, जैसे एक भी अभिषेक जी थे तो इनका भी कॉमेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेंट करने के लिए आप लोगों को, और आप हमें कॉमेंट में बताते रहें, और जहाँ तक होगा, जहाँ तक हमारे पास नॉलेज है, मैं आप लोगों का हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए लड़ी बजाना सीखते हैं, और लगी तो अगले बोल अगले वीडियो में तो सीखे ही थे। ठीक है, यदि आप नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे, और नहीं तो क्या है, जैसे ये हम लोग पलटा बजा रहे तो धा त्रिकट तक त्रिकट, उसके बाद है धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, बस यही लाइन है, ये हो गया लगी, और लड़ी इसका हो गया धा त्रिकट तक त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, बस ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बजा लेंगे। तो चलिए हम लोग लड़ी बजाना सीख लेते हैं। देखिए कैसे बजाएंगे, स्याही है और ये लॉ है, तो स्याही और लॉ के बीच में इस फिंगर को रखना है, ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो तार ना सबके बजेगी, डग्गे पर बजाएंगे घेस, दोनों को एक साथ आघात करेंगे ये हो जाएगा धा, त्रिकट बजाएंगे स्याही के बीचों बीच, फर्स्ट फिंगर से इसे कहेंगे कि इसे कहेंगे धा त्रिकट तक तक त्रिकट, धा त्रिकट तक, ये हो जाएगा त, ये हो जाएगा क, तक त्रिकट सारे बोल को बजाएंगे धा त्रिकट, धा त्रिकट, समझ गए। उसके बाद बजाएंगे धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, धा धा चाटी पिना टेंगे पेंगे धा, दो बार बजाएंगे धा धा त्रिकट, ये हो जाएगा ती, हो जाएगा रा, इसे कहेंगे की, इसे कहेंगे ता, त्रिकट। ठीक है, धा धा तीरे चित ताता तीरे ताता ताता चाटी पर, ये हो जाएगा ती, हो जाएगा रई, से कहेंगे की, से कहेंगे ता, तीरे चित। ठीक है, धा धा तीरे चित ताता तीरे, धा तीरे चित तक तीरे चित, धा तीरे चित तक तीरे चित, धा धा तीरे चित ताता तीरे चित, धा धा तीरे चित ताता तीरे चित। ठीक है, दोस्तों ये जो लगी है ये गायन को अलंकृत करने के लिए इसे बजाया जाता है, लगी और लड़ी को। ठीक है, और जैसा कि आप तो ये लड़ी बजाना सीख ही गए, लगी भी बजाना आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, लगी के बोले धा त्रिकट तक त्रिकट, धा धा त्रिकट ताता त्रिकट, तो मैं ये बताना आप लोगों को चाह रहा था कि इसका जो वादन है यानी किस लय में होता है, तो इसका वादन है मध्य लय में होता है, मध्य और तीव्र लय, जैसा चौगुन के लिए आप लोग बोलते हैं, चौगुन किले में ये बजाया जाता है अधिकतर। ठीक है, गायन को जब हम गायक को, गायक है जो जिनके साथ हम संगत कर रहे हैं, जो आलाप ले रहे हैं और उसके साथ जो हम बजा रहे हैं, तो बीच में हमें समय मिलता है। ठीक है, तो उस समय आप कहरवा लगी लड़ी से या रूपक ताल लगी लड़ी से आप गायन को अलंकृत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और आप जब सीख रहे हैं तो कम से कम आप धीरे धीरे इसका रियाज करेंगे मध्य लय में, ठीक है। मध्य लय में आप इसका रियाज करेंगे, पहले धीरे धीरे धा तरीके से धीरे धा तरीके से धीरे धा धा तरीके से धा धा तरीके से धा धा तरीके से धा धा तरीके से। इस प्रकार से, ठीक है, धीरे 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 फिर फास्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ देर साथ में रियाज कर लेते हैं तो और भी अति सुंदर होगा। चलिए ठीक है, तो आप हमारे साथ भी रियाज करें, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना ता तरि 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 ता तरि 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 ता ता तरि ता ता तरि। इस प्रकार से आप इसका रियाज करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो है अधिकतर चौगुन की लय में बजाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे रेला बजाते हैं तो रेला को आप देखते होंगे कि चौगुन और अठगुन की लय में बजाया जाता है। सेम उसी प्रकार से लगी लड़ी भी चौगुन और अठगुन की लय में बजाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लड़ी कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अंत में जो हम बजाए हैं तिहाई हैं जिनके बोल हैं धाता धा धाता धा धा। तो जैसा कि आप ये बजा ही लेंगे धा धा तीरे किट फिर धा धा तीरे किट धा 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 तीरे किट धा, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप शुरुआती से तबला सीखना सीख सकते हैं। और आपके मन में तबले से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अब मैं लाइव भी आना शुरू कर दिया हूँ और मैं प्रतिदिन लाइव आता हूँ अब, ठीक है। तो आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ करके भी आप तबला सीख सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो लाइव का टाइमिंग है वो है शाम 3:30 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में, ठीक है।
आप इन समय में आकर के और आप हमसे तबला सीख सकते हैं जुड़ करके, ठीक है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं, और मैं आपको अब लग्गी लड़ी और तिहाई ये दो तीनों चीज साथ में बजा करके एक बार सुना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।